स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक फोटो देख लेते हैं। जी हाँ, सभी को पता है ये शाहरुख खान है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह। अब चलिए एक वीडियो भी देख लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह दिखते हैं, उन्हें हम लुक एराई कहते हैं। अब इस बंदे की खासियत क्या है? ये शाहरुख खान की तरह दिखता है और शाहरुख खान के कारण ही इसे पॉपुलैरिटी भी मिलती है और पब्लिसिटी भी मिलती है। उसी तरह क्रिप्टो की दुनिया में शिबा इनू सभी को पता है। शिबा इनू को लेके क्रिप्टो कम्युनिटी में काफी क्रेज है और इस क्रेज को एनकैश करने के लिए कुछ कॉइन्स लॉन्च किए गए हैं जो शिबा इनू की तरह ही मिलते जुलते हैं। इनमें से एक है साइबॉर्ग शिबा, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बट उसके पहले चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं कि ये साइबॉर्ग शिबा है क्या। ये बेसिकली एक गेम बेस्ड एंड पैसिव इनकम जनरेटिंग क्रिप्टो करेंसी है। इसका ज्यादा यूज केस नहीं है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं गेम्स खेल करके। तो अभी चलिए इनके वेबसाइट में जाते हैं। तो वेबसाइट में जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें मतलब लिखा हुआ है आर यू रेडी टू फाइट विद द रेस्ट ऑफ योर टाइम। तो इसमें गेम्स जो है वो खेलने के लिए मतलब बताया हुआ है, विनर्स कैसे होंगे, अवार्ड्स क्या होगा, क्या रैंक होगा। तो इनका पे टू अर्न गेम जो है उसका डेमो भी रिलीज हुआ है। तो चलिए हम एक मिनट का इसका वीडियो देख लेते हैं कि इनका जो पे टू अर्न गेम्स है जो डेमो भी रिलीज हुआ है ये कितना फैसिनेटिंग है, गेम कैसे दिखता है। चलिए बात करते हैं अब रोड मैप की। तो इनका फेस वन जो भी उनका था रोड मैप है वो कम्प्लीटली हो चुका है। फेस टू में इनका दो चीज था, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्टिंग और कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग, ये हो चुका है। अभी ये अपने फेस थ्री में है। फेस थ्री में इनका टारगेट है कि ये कॉइन गीको में लिस्टिंग करेंगे बहुत जल्द, बीएससी स्कैन अपडेट करेंगे, इनकी कम्युनिटी को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, 10,000 होल्डर्स मतलब जो है वो मतलब रेस करेंगे और जो ट्रस्ट वॉलेट में है वो अपडेट करेंगे और जो फेस फोर में है वो फुल फर्स्ट गेम पब्लिश करेंगे, मतलब उनका जो भी गेम है वो पूरे तरीके से उनका मेन नेट में लॉन्च हो जाएगा और फेज फोर में ये सेकंड गेम का जो है वो डेमो भी मतलब रिलीज करेंगे। बात करते हैं इनके टोकोनॉमिक्स के तरफ पे। तो टोकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनका है। इनका इनिशियल जो भी 100% कॉइन है तो 20% इनिशियल बर्न हो गया था, मतलब जब लॉन्च किया था इन्होंने तो 20% बर्न किया था, 5% मार्केटिंग के लिए और टीम के लिए उन्होंने साइड में रखा हुआ है, 5% जो है वो रिवॉर्ड है होल्डर्स के लिए और 70% जो है वो कम्युनिटी के लिए है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगेगा, बाई टैक्स जो है वो टोटल 9% है। इस 9% टैक्स में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्डर्स के वो 3% है और मार्केटिंग के लिए 6% है। अगर आप सेल करते हैं अपना कॉइन तो आपको ट्रांजैक्शन टैक्स पड़ेगा 12%। तो सेल के टाइम पे जो 12% टैक्स है उसमें से 5% रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और 7% जो है मार्केटिंग के लिए है। अगर इनका गेम्स के बारे में आप बात करेंगे तो इनके टोटल 4 गेम्स है। तो अभी फिलहाल एक ही गेम है जिसका इन्होंने डेमो लॉन्च किया हुआ है और जो सेकंड गेम है इसमें वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आएगा। और जो गेम थर्ड एंड फोर्थ है इसमें अभी भी डिजाइनिंग पार्ट चालू है, तो डिजाइनिंग होने के बाद डेवलपमेंट करेंगे और इसको भी लॉन्च कर देंगे। इनका एड ऑप्स चल रहा है तो अगर आपको चाहिए तो आप एड ऑप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कॉइन काफी अच्छा है तो इसमें बताया हाउ टू बाई करके, मतलब आप पैनकेक स्वैप से कनेक्ट करके अपना वॉलेट कनेक्ट करके पैनकेक स्वैप से आप मतलब बाई कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा तो अपना इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं। कॉइन मार्केट कैप में आएंगे तो आप देख सकते हैं साइबॉर्ग शिबा इसका रैंक है 4155, 4155 रैंकिंग पे है, तो काफी स्मॉल कैप कॉइन है। ये 1978 के वॉच लिस्ट
में है, मतलब 1980 रो के आसपास लोग मतलब इसको नोटिस कर रहे हैं। आप अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 3.02056 है, आज 0.05% अप है, मार्जिनली अप है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 15 करोड़ के आसपास, मतलब 15 करोड़ 42 लाख इसका जो है वो मार्केट कैप है। आप एक साल का ग्राफ देख लीजिए तो इसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी है नहीं, एक्चुअली में इसमें वॉल्यूम्स काफी कम है जिसके कारण इसमें एक्टिविटी इतनी दिखी नहीं है। देखते हैं इसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो के बारे में। तो इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 29 अप्रैल 2022 को था, 6 दिन पहले 3.06824। ऑल टाइम लो की बात करेंगे तो इसका मतलब 5.09478 है। ऑल टाइम लो जो इसका था वो 9 अप्रैल 2022 को था, और ऑल टाइम लो से ये 2070% जो है ये अप है। बात करते हैं कॉइन सप्लाई के बारे में, तो मैक्सिमम सप्लाई जो इसका है वो है 1 ट्रिलियन, ओके, और सर्क्यूलेटिंग सप्लाई उसका 75% है, मतलब 750 बिलियन इसकी अभी मतलब कॉइन सप्लाई है। मार्केट्स की बात करें तो अभी करंटली ये केवल विंडेक्स एक ही एक्सचेंज है जिसमें ये लिस्टेड है, तो कई सारे एक्सचेंज में अभी भी इसकी लिस्टिंग होना बाकी है। चलते हैं इसके ट्विटर अकाउंट में, तो ट्विटर अकाउंट में आप देखेंगे तो 3828 फॉलोअर्स है, तो 3800 के आसपास मतलब इनके फॉलोअर्स है। ट्विटर अकाउंट में इनका कुछ ज्यादा नई एक्टिविटीज अपडेटेड तो नहीं है, लेकिन जो भी पुरानी एक्टिविटीज है वो सब इनकी मतलब अपडेटेड है। तो ट्विटर में अगर आप इतने सब इसमें ट्वीट्स में देखेंगे तो कुछ एकाध खास ट्वीट्स में बता दूं, तो इनका फेयर लॉन्च हुआ था 8th of February 2022 में, तब इन्होंने फेयर लॉन्च का ट्वीट किया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस कॉइन को लॉन्च किए हुए करीब करीब 3 महीना हो गया, ज्यादा नहीं हुआ है टाइम। साथ में आप देखेंगे तो फेयर लॉन्च के टाइम पे इन्होंने 20% जो अपने टोकन है वो मतलब बर्न किए थे, तो इसका भी इन्होंने फेयर लॉन्च के टाइम पे मतलब इन्होंने ट्वीट किया था और बताया था कि 20% इन्होंने टोकन जो है वो बर्न कर दिया है। अब इनका पिछले साल इन्होंने अपनी ऑडिट करवाई थी, तो इनकी KYC और ऑडिट जो है दोनों गिटहब से हो चुकी थी 2021 के लिए, जो कि 5th of February 2022 को आया था। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस करके वैलिड प्रूफ जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आया हुआ है साइबॉर्ग शिवा का, 5th February 2022 को उनको मतलब मिला है। तो इसमें प्रोजेक्ट ओनरशिप है वो वेरीफाइड है, टीम मेंबर्स जो है वो सब टीम मेंबर्स को वेरीफाई किया हुआ है, टीम मेंबर्स की आइडेंटिटी जो है वो भी वेरीफाई किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेन नेट पे पब्लिश हो गया है। ये सब जो भी है KYC वेरिफिकेशन में मतलब इनकी ऑडिट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो आई है उसमें मतलब दिख दिया गया है। तो ये थी साइबॉर्ग शिवा के बारे में एनालिसिस, इसका मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर्स, कम प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट किसमें है। अभी बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, तो प्राइस प्रेडिक्शन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बहुत क्लियर कट बात है कि ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ये शिवा इनू का जो क्रेज है उसको एनकैश करने के लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया है। तो अभी हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन ना करते हुए इसके मतलब हम पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स अगर मैं बात करूं तो ये शिवा के क्रेज को एनकैश करने के लिए मतलब लॉन्च किया गया है, तो हो सकता है कि उसका मतलब उसको कुछ एड ऑन बेनिफिट्स मिले जिसके कारण मतलब इसमें आप आज नहीं तो कल तेजी देख सकते हैं, बट मैं टोटली इसमें कन्विंस नहीं हूं। नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो इसकी कम्युनिटी काफी वीक है, अगर आप देखेंगे तो वॉच लिस्ट की बात कर रहे या इसकी आप बात कर रहे अपना वॉच लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि आप इसकी वॉच लिस्ट के बारे में बात कर लीजिए या आप बात करिए ट्विटर के फॉलोअर्स के बारे में, तो ट्विटर में 3800 के आसपास इनके फॉलोअर्स है, वॉच लिस्ट में भी ये कुछ 1900-1880 के लोगों के वॉच लिस्ट में, BSE स्कैन में अगर आप होल्डर्स भी देखेंगे तो केवल 1920 होल्डर्स है, मतलब केवल 1920 लोग है जिनके पास ये कॉइन है। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि इसकी कम्युनिटी काफी वीक है। थर्ड, इसकी टीम की ऑडिट हुई है, KYC हुई है, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है अगर टीम की ऑडिट हो गई है उनकी KYC वेरिफिकेशन हो गई है तो टीम का डिस्क्लोजर क्यों नहीं है इनके वेबसाइट में या कहीं पे भी कि टीम मेंबर्स कौन है, ये प्रोजेक्ट कौन लीड कर रहा है, इसके डेवलपर्स कौन है, ये कहीं पे भी कुछ मेंशन किया गया नहीं है, इवन तो इसकी ऑडिट हो गई है और KYC हो गया तो भी। तो क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण ये मतलब सामने आना नहीं चाहते हैं। फोर्थ चीज है, आप इसकी बात करें तो इसका यूज केस कुछ नहीं है, ये एक सिंपल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और पे टू अर्न है। अगर आप यूज केस की बात करें तो काफी मीम कॉइन्स है, जैसे कि शिबा इनू है जो कि डोज कॉइन है, जो कि मीम कॉइन से फंडामेंटल कॉइन्स की तरफ मतलब ट्रांजिट कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक कॉइन का वीडियो निकाला था, अगर आपको चाहिए तो आप कॉइन का वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये भी एक मीम कॉइन था जो कि अभी फंडामेंटल कॉइन में कन्वर्ट होने की तैयारी में है, और इसकी भी यूज केस काफी है, बट आप अगर इसकी बात करते हैं साइबॉर्ग शिबा की तो इसकी यूज केस कुछ नहीं है। अभी जो इनका पैसिव इनकम जो जनरेट होगा वो पे टू अर्न गेम से होगा, और पे टू अर्न गेम्स का जैसे मैंने आपको टीजर बताया था एक मिनट का, तो उसका टीजर देख करके भी मुझे कुछ ज्यादा ये फैसिनेटिंग लगा नहीं, मतलब गेम में इतना कुछ दम नहीं है, जैसे स्टार एट्रेस हो गया है, ब्लॉकटोपी हो गया है, UFO गेमिंग का स्टार गैलेक्टिक्स है, ये सब जो गेम्स है जो फैसिनेटिंग है, जितना मजा आता है खेलने के लिए, इसका डेमो देख करके उतना फैसिनेटिंग लग नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो गेम है ये एक्चुअल में भी कुछ कॉपी किया हुआ गेम ऐसा करता है। अगर जो पुराने गेमर्स है जिसको पता होगा सुपर मारियो ब्रॉस करके जो गेम होता है, ये गेम कुछ ऐसे ही गेम्स मतलब उसी गेम का कॉपी किया हुआ करता है। तो ओवरऑल इसका अगर आप देखेंगे तो
पॉजिटिव फैक्टर कुछ नहीं है, नेगेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है मीम टोकन में या पे टू अर्न टाइप गेम्स में, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है और आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये था हमारा एनालिसिस इस टोकन के बारे में, साइबॉर्ग शिबा के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।